Good morning, my dear students. Most welcome to the online classes of SAPR. In this video for 7th class, I am going to teach you chapter number 12, active and passive voice. You know, dear student, there are 12 kinds of sentences, but we make passive only 8 out of 12. जितने भी perfect continuous होते किसी भी passive नहीं बनते हैं, ठीक है? Only 8 की बना करते हैं. तो पहला tense आपका होता है present indefinite tense, जिसकी identity में ता है, ती है, ते है, आज सब लगे होते हैं. तो इसमें 4 होंगे. सिंपल सेंटेंस होगा. सेपरेट सेंटेंस रूल होता है आपका, लिख दिया सब्जेक्ट एस और यस इन V1, मतलब क्रिया की पहले एस यस, ऑब्जेक्ट का अदरवाइज. दो सेंटेंस लिखा है, राम आज एक पद लिखता है, फिर मैदान फुटबॉल खेलते हैं. तो पहला हमने करूंगा सब्जेक्ट दिया, सब्जेक्ट क्या राम हो गया. फिर एस और यस इन V1 लिखना होगी तो एस लग गया. ठीक है, ऐसे यस जोड़ने के नियम भी होते हैं कि बस बी ए ई एस विद द वर्ड विच एंड विद ओ डबल ओ एस एस सी एच एक्स ई टी सी एंड विद अदर वर्ड एस ओनली व्हेन द सब्जेक्ट सिंगुलर विद प्लुरल सब्जेक्ट वी डू नॉट एड एस और ई एस. हमने ये कहा कि हम एस ई एस सिर्फ सिंगुलर कर्ता के साथ जोड़ते हैं और उन क्रियाओं के साथ लगाते हैं जिनका अंत ओ डबल ओ एस एस सी एच एक्स ई टी सी से होता है, और बहुवचन कर्ताओं के साथ हम एस ई एस नहीं लगाते. इसमें दे मैदान पर खेलते हैं तो इसमें दे हो जाएगा, फिर प्ले इसमें ऐसे कुछ नहीं लगाए क्योंकि सब्जेक्ट आपका सुरल है. इसका पैसिव देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया, ये वर्ब होगी ए लेटर विल बी ऑब्जेक्ट, तो इज लगेगा है. फिर थर्ड फॉर्म ब्रिटेन, इसके बाद बाई दिया गया बाई, फिर ये चेंज हो जाता है, राम का राम में रहेगा और टूडे अदर वर्ड हो जाएगा. ठीक है, अब निगेटिव देखो, इसका निगेटिव में एक्टिव रूल, उसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू और डज नॉट बी वन ऑब्जेक्ट अदरवाइज, ये हो जाएंगे. जैसे राम आज एक पत्र नहीं लिखता है तो सब्जेक्ट राम, हेल्पिंग वर्ब राम के साथ डज लगाओगी, राम डज नॉट, फिर बी वन हो जाएगी राइट, ऐसी कुछ नहीं लगेगा ए लेटर टुडे. ठीक है, और पैसिव देखो, पैसिव रूल, पैसिव रूल में क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब ये लगाओगे कि जा रहे हैं, ये जा रहा है, प्लस नॉट बी थ्री बाय सब्जेक्ट अदर वर्ब, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट दिया गया तो ये आपका आ लेटर विल बी ऑब्जेक्ट ए लेटर, इसके बाद एज लगा जाएगा, फिर नॉट, फिर बी थ्री हो जाएगी रिटेन बाय राम का राम टुडे. ठीक है, इंट्रोगेटिव देखो, नीचे तक ले जाना है एक्टिव रूल. दो प्रकार के इंट्रोगेटिव होते हैं, पहले यस नॉट है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी आपकी डू या डज, सब्जेक्ट बी वर्ड ऑब्जेक्ट अदरवाइज को सर्विस क्या लग जाएगा, क्या राम आज एक पत्र लिखता है तो राम के साथ डज लगाओगे, डज फिर सब्जेक्ट राम बी वन राइट राइट पैसे रूल देखो, पैसे रूल में हो जाएगा, इसमें रस्म पहले आ जाएगी एच बी सिड आर एंड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एग्जाम लगाओगे, आपका ऑब्जेक्ट आ लेटर हो गया तो ये लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट ए लेटर, फिर बी थ्री है रेटेड बाई राम टू डे. ठीक है, सेकेंड सेंटेंस एज अ होमवर्क and also write some of the sentence of this type and try to solve them in both active and passive voice. That's all for the video.